जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका द कल्टो रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज चैनल पर अगर आप नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी द कल्टो रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। तो देखिए आज की वीडियो बात करने वाले हैं लिव मॉर्गन के बारे में। आप सबने सुना ही होगा कि लिव मॉर्गन को पुलिस ने पकड़ लिया, क्या सीन है, क्या माजरा, सब बताने वाला हूं। देखिए लिव मॉर्गन इस समय इंजर्ड चल रही है WWE कंपनी से पिछले कुछ महीनों से। अब उसका रिटर्न की न्यूज तो सामने नहीं आ रही थी, बट रूमर था कि वो रॉयल रंबल में एज अ वुमेन रॉयल रंबल मैच में एंट्री लेके अपना रिटर्न करेगी और ये भी चांसेस है कि वो रॉयल रंबल 2024 को जीत जाएंगे एज अ वुमेन, बट उसके चांसेस अब तो खत्म ही हो चुके हैं। देखिए हुआ क्या है कि लिव मॉर्गन जो है गाड़ी चला रही थी और गाड़ी चलाते ही उसने सिग्नल तोड़ा। सबसे पहले उसने सिग्नल तोड़ दिया गया एंड देन उसको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के पकड़े जाने के बाद पुलिस देखती है कि भाई ये तो पूरी लड़की नशे में धोतो रखी है, इसने इतने नशे कर रखे हैं, इतनी गोलियां ले रखी हैं, इंजेक्शन ले रखे हैं, पता नहीं क्या क्या ले रखा है। देन फिर पुलिस को रिमांड में लेती है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, देन पता चलता है कि लड़की ने कुछ स्ट्रेस है इसको, ऐसा कुछ है। समझ सकते हो कि बहाने तो बनते ही है जब बेल की चीज होती है। एंड फिर इस लड़की को पकड़ा गया एंड पता चला कि भाई तो WWE स्टार है। और अब चीजें ऐसी होगी कि भाई इसके भी रिलीज के चांसेस हो गए हैं, बिकॉज जिस तरह से आपने देखा कि मैट रिडल को रिलीज कर दिया गया एयरपोर्ट पे, मैट रिडल ने नशे में था लेकिन मैट रिडल ने खाली इस पे खाली एज अ क्लियर एक्यूज किया था, मानता हूं कि झूठा एक्यूज किया था, बट यहां पर लिव मॉर्गन तो भाई पूरे नशे में है और ऐसी ऐसी चीजें उसने ले रखी है जो कि इलीगल है। और अब चीजें ये हो चुकी हैं जब WWE कंपनी में कि भाई अब WWE कंपनी ऐसे सुपरस्टार्स को बर्दाश्त नहीं करती, बिकॉज जितने भी फैंस हैं ना उन सबको पता है कि भाई ये सुपरस्टार की इमेज खत्म हो रखी है WWE कंपनी के बाहर, इसलिए ऐसे ऐसे बंदे की रिस्पेक्ट WWE यूनिवर्स नहीं करता। तो आई थिंक ट्रिपल एस बेस्ट डिसीजन ले रहा है कि उसने मैट रिडल को रिलीज किया। और अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लिव मॉर्गन है इसको भी रिलीज कर दे, क्योंकि भाई ऐसे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी में रखने का मतलब समझ सकते हो कि आप बेइज्जती है कंपनी की बुरी तरह से। बिकॉज एक तरफ आप सीएम पंक को देखते हैं, सीएम पंक मतलब सीएम पंक ऐसा बंदा है कि कोई नशे नहीं करता, उसका स्लोगन है एक, वो बंदा ही ऐसा पावरफुल है, बस वो कंट्रोवर्शियल मैन है जिस वजह से सभी कंपनी वाले उसको प्यार करते हैं, चाहते हैं उसको। बट दूसरी तरफ देखा जाए ऐसे सुपरस्टार्स जो कि WWE कंपनी का स्तर नीचे ही रहते हैं, लोग कहते हैं कि सीएम पंक को WWE कंपनी में क्यों लिया, उसने WWE कंपनी की बेइज्जती की है कि अबे घंटों अबे फुदुओं, सीएम पंक ने कोई बेइज्जती नहीं करी, सीएम पंक उसका करेक्टर है, वो एज अ कंट्रोवर्शियल मैन है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें मैट रिडल को, आप दूसरी तरफ देखें रिक फ्लेयर को, आप दूसरी तरफ देखें लिव मॉर्गन को, इन्होंने WWE कंपनी के साथ अच्छा नहीं किया। खासकर लिव मॉर्गन की बात करें भाई साहब, इस लड़की ने तो पूरी तरह से WWE कंपनी की पर्सनालिटी खराब की है। कुछ वक्त पहले पेज, आप समझ सकते हैं कि पेज का इंसिडेंट आपको याद है, 2017 में पेज का इंसिडेंट आपको याद होगा, उसकी वीडियोस लीक हो गई थी समझ सकते हो ऑनलाइन, एंड देन फिर उसको करीबन एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था WWE कंपनी ने, और लेकिन उसके बाद रिलीज नहीं किया गया उसको, एंड मुझे नहीं पता क्यों, बट उसके बाद वो खत्म हो ही गई थी, बिकॉज उसके बाद वो इंजर्ड हो गया एंड देन फिर कंपनी ने उसको रिसाइन नहीं किया। तो समझ सकते हो कि अब जो है लिव मॉर्गन का करियर आपके लिए पूरी तरह से खत्म है, बिकॉज एक इमेज होती है सुपरस्टार की वो खत्म हो चुकी है। एंड मेरे अकॉर्डिंग लिव मॉर्गन को फाइनली रिलीज कर देना चाहिए WWE कंपनी से, क्लियर कट। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्टो रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। कल मिलते हैं।